सारंगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। यह मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए सुयोग है कि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं। सर, हिंदी की एक कविता है, दो पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी। तुम एक अनल कण हो केवल, अनुकूल हवा लेकिन पाकर, छप्पर तक तो तुम जा सकती, ज्वाला प्रचंड फैला सकती, एक नन्ही सी चिंगारी भी। सर, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश में महिलाओं के लिए अनुकूल हवा और सकारात्मक वातावरण की सृष्टि करने की दिशा में पदक्षेप ले रहे हैं, बहुत ही बलिष्ठ पदक्षेप उनके बलिष्ठ नेतृत्व में। और हम सब का कर्तव्य बनता है, हम सब जितने लोग बैठे हैं, जिस दल के जो भी हैं, हम सब का कर्तव्य है कि हम इस ऐसे बलिष्ठ पदक्षेप लेने वाले व्यक्ति के साथ खड़े हों और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। मैं एक महिला सांसद हूं, मैं भुवनेश्वर का प्रतिनिधित्व इस लोकसभा में करती हूं, और यह जो सुयोग है, यह जो सौभाग्य है मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं और इस बिल के लिए भी उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। अध्यक्ष महोदय, कल पुराने संसद भवन में जब मैं प्रवेश कर रही थी तो आदरणीय सोनिया गांधी जी भी प्रवेश कर रही थी, मैं पीछे हटके खड़ी हो गई। जितने भी मीडिया बंधु थे, सांवादिक बंधु थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल ला रहे हैं, महिला संरक्षण बिल, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा, यह हमारा बिल है। सर, मैं हतप्रभ रह गई, मैं आश्चर्यचकित रह गई। और निश्चित तौर पर मैं बोलना चाहूंगी, दो बातें रखना चाहूंगी। मैंने देखा है, सर, आई विल टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, प्लीज लिसन टू मी, यू हैव स्पोकन एनफ, लेट अ वुमन स्पीक। सर, आई विल लाइक टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन। 12 सितंबर 1996, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, आई वुड लाइक टू से ऑल दिस थिंग्स। Mr. Nishikant Dubey ji has said, and all my colleagues have said, but at the cost of being repetitive, I would say, Mr. Dev Gowda ji in the 11th Lok Sabha had actually brought this bill. I repeat, 12 September 1996, then 12th Lok Sabha, 13th Lok Sabha in 1998 and 1999. Sir, every government every time tried to push this bill, but nobody succeeded. And I tell you, it demands a lot of courage and some degree of conviction to bring the bill again and say that we will pass it. It doesn't come like that. Sir, main aapko kehna chahungi ki March 9, 2010 Rajya Sabha mein manti hoon Congress ne ise laya tha, manti hoon ki do tihai bahumat se pass ise kiya gaya, lekin मैं बताना चाहूंगी, कल से मैं टीवी के डिबेट्स में बैठी हूं, मैं बताना चाहूंगी हमारे सारे बंधुओं को कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का भरपूर समर्थन किया था, क्योंकि महिलाओं के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी। 50% लोकसंख्या हमारी महिला है और उनके प्रति हमारे मन में बड़े आदर और सम्मान का भाव है। सर, 27 वर्षों की यात्रा के बाद, के पश्चात आज प्रधानमंत्री महोदय ने इस बिल को हम सबके समक्ष उपस्थापित किया, और निश्चित तौर पर कहूंगी कि यह बिल बहुत ही समाप्त के अच्छा बिल है। सब लोग, हम लोग इसकी प्रशंसा करें, इसके साथ खड़े हों। और सर, एक बात मैं बताना चाहूंगी निश्चित तौर पर। धन्यवाद सर, मुझे आप 2 मिनट का समय तो जरूर एक देंगे। मिनट, एक नो सर, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स टाइम। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन यर that implementation is a very strong point of Prime Minister Modi's government. Whether it is Article 370 or triple talaq or GST, one nation, one tax,
whatever big works, big achievements that have come our way, we have handled all the issues with a lot of deftness. So, sir, right now, the issue is of implementation. And I tell you once again, implementation is our strong point. Thank you. Census will be carried out. Thank you. Delimitation exercise will be done. Shri but this Girish particular Chandra. Bill may kindly be passed by all of us, and the implementation will be carried out under the leadership of our Prime Minister. Thank you very much. Thank you, Abhiraj. And it is our responsibility to support the bill. Thank you.